इतनी गर्मी के अंदर इतनी बड़ी संख्या में आए हुए प्यारे भाइयों बहनों माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, करते हैं। राहुल बाबा आपकी चौथी पीढ़ी है भैया, जवाहरलाल जी, इंदिरा जी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी और अब आप आए हो, चार पीढ़ी से आप लोग गरीबी हटाने की बात कर रहे हो, चार पीढ़ी तक गरीबी हटी नहीं, गरीबी बढ़ती रही और नरेंद्र मोदी जी एक पांच साल देश की सत्ता पर है। 2014 में ये हरियाणा की महान जनता ने तय किया कि देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो और नरेंद्र मोदी की सरकार। 26 मई 2014 को सरकार बनी, 23 मई 2019 को मतगणना होगी और ऊपर पांच साल समाप्त होंगे। हरियाणा देश का सबसे पहला केरोसिन मुक्त राज्य हरियाणा बना है। एक भी घर ऐसा नहीं है जहां गैस का चूल्हा। तो बाबा अभी अभी जहां आते हैं वहां जोर जोर से बोलते हैं, अभी इनको किसी ने समझा दिया है कि जोर से बोलते हैं तो ज्यादा वोट मिलते, तो जोर जोर से। अभी मैं दिल्ली में सुन रहा था दिल्ली के बॉर्डर को पूछे, मोदी जी बताओ हरियाणा के लिए आपने क्या किया। आप नरेंद्र मोदी का हिसाब मानते हो भाई, और वो भी राहुल बाबा मानते। राहुल बाबा हमें तो झूमे झूमे पांच साल हुए हैं, पांच साल, आपने तो पांच पीढ़ी और 55 साल तक देश पर शासन किया, ये सोने पत वाले आपकी पांच पीढ़ी का हिसाब मांग रहे हैं। पांच पीढ़ी का हिसाब, मुझे राहुल बाबा को हिसाब देने की कोई जरूरत, मैं उनको हिसाब देने आया भी नहीं, मगर सोनीपत की जो जनता है ना वो हमारी माई बाप है, माई बाप, मैं सोनीपत की जनता को है। हमारे पास दुनिया का सबसे बड़ा नेता हमारे पास है, सबसे ईमानदार नेता हमारे पास है और दूसरों के पास आज तक उनके पास अपना उम्मीदवार को नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आतंकवाद, भ्रष्टाचार और देश की मजबूती के लिए हर वो काम किया है जिससे देश का मान और सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ा है। मैं आप लोगों को, क्योंकि समय बहुत कमी है, एक बात कहना चाहता हूँ, जब से हमारे 5 साल में सरकार बनी है 28,000 करोड़ के नए प्रोजेक्ट इस पार्लियामेंट क्षेत्र में लगे हैं, चाहे केएमपी हो, चाहे केजीपी हो, 8 नेशनल हाईवे हो, रेल कोच फैक्ट्री हो, चाहे रेलवे रेल बाजार चाहे बात हो, ये सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री जी के सहयोग से ये सब विकास का तो बहुत बड़ा काम हुआ है। मैं जो यहाँ पर चुनाव लड़ने के लिए मजबूरी में आया है हरियाणा मुख्यमंत्री था जो पहले, उससे भ्रष्टाचार भी हरियाणा के पूरे देश में नहीं है और प्रधानमंत्री ने फैसला कर रखा है कि जितने भ्रष्टाचार में लिप्त हैं वही सब इकट्ठे हुए हैं, उनको बख्शा नहीं जाएगा। मैं एक बार फिर अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का बहुत बहुत यहाँ मैं मान और सम्मान करता हूँ और आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उनके साथ सुशीला देवी जी है, फूल सिंह शहरी प्रधान गोहाना है, हमारी गायत्री गहलावत जी है, सुमन मलिक जी, ये सब जो है भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल हो रहे हैं। आप लोगों से अनुरोध है कि तालियां बजाएं।